हाय फ्रेंड, कैसे हो? आज हम नेनुआ और मूली का सब्जी बनाने सिखाएंगे। आधा किलो हमने नेनुआ ले लिया है, उसमें 100 ग्राम तक मूली ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। हम नेनुआ को छील दिए हैं, अच्छी तरह से छील करके धो भी रहे हैं पानी में। देखो, हमने नेनुआ को छील के धो के एक थाली में निकाल लिए ना। नेनुआ में देने 2 प्याज, 4 हरे मिर्च भी लिए हैं, और नेनुआ का आगे और पीछे का भाग काट लेंगे। देखो, ये है आगे का, और पीछे वाला भाग निकाल देंगे, और पूरी अच्छी तरह छोटे छोटे में कट कर देंगे। सभी नेनुओं को हमने कट कर लिया है। अब प्याज है, प्याज का आगे भाग हम कट कर देंगे, और हमने कट कर लिया है। अब हम नेनुआ काट लिए हैं गोल गोल, और मूली भी एक तरफ काट लिए हैं। फ़ौरन में देने के लिए प्याज भी कट करें, हरी मिर्च भी कट। चलो, हमने कढ़ाई गरम कर ली है। अब हम उसमें 3 चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे, घुमा घुमा कर करना है। देखो, हमने सरसों का तेल ले लिया है, पूरी अच्छी तरह से गरम है। उसमें एक हम पतरज डालेंगे, एक छोटा चम्मच जीरा डालना है, फिर हम प्याज डालेंगे, फिर हम हरी मिर्च को ऐड करेंगे। हमने कर लिया है। अब इसे हम पूरे सुनहरे होने तक पूरी अच्छी तरह से हमने चलाकर भूंज लेना है प्याज को। देखो, मेरी प्याज भी सुनहरी हो गई। अब हम परोल और इसमें मूली का कटा हुआ मिक्स डाल देंगे। देखो, हमने अब घुमा घुमा कर इसको पूरी अच्छी तरह से भूंजना है। अब हम 1 चम्मच नमक ऐड किए, और नमक ऐड करके हमने पूरे नमक के साथ ही इसे पूरी अच्छी तरह से गला लेना है सब्जी को चलाते हुए। देखो, हमने सब्जी को गला लिया। अब 1 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर देंगे, 1 छोटे धनिया का गुंडी है दे दिए हैं। अब इसमें हम सब्जी मसाले को भी ऐड करेंगे, और सभी को मिलाते हुए हमको भूंज लेना है पूरी अच्छी तरह से सब्जी को चलाकर। देखो, हमने भूंज रहे हैं ताकि अपना कलर पर आ जाए सब्जी में अच्छी तरह। अब हम उसमें 1/2 छोटा गिलास पानी देना है। इसी तो परोल अपना पानी खुद छोड़ता है, हमने थोड़ा सा डाल दिया है। अब हमने ऐड कर दिया मेरी सब मूली और नेनुआ का सब्जी अच्छी तरह से बन। नेनुआ और मूली का सब्जी इतनी टेस्ट है कि खाकर बता कमेंट में।